यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12.4। इस एक्सरसाइज का 12th चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है ये फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखने को मिल रहा है हमें। ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन, एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, कंटेन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एक सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगे, उसमें 3 मोल हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे और 180 प्रेशर पे। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ ए हीट इंसुलेटर। जो भी सिलेंडर की वॉल्स हैं, उन वॉल्स को कैसा रखा गया है, इंसुलेटेड रखा गया है। उन वॉल्स को इंसुलेटेड रखा गया मतलब कि हीट एनर्जी ना तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही सिस्टम हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज कर सकता है। तो ना तो हीट का गेन होगा और ना ही हीट का लॉस होगा, बिकॉज द वॉल्स आर इंसुलेटेड। एंड पिस्टन को भी कैसे इंसुलेट किया गया, एंड पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। पिस्टन के ऊपर रेत को हमने रख दिया। बाय व्हाट फैक्टर, ये भी डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहां पर ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसकी वॉल्यूम को क्या कर देंगे, कंप्रेस करके हाफ कर देंगे। तो इसमें 3-4 बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले आपको इसमें गैस बता रखे कितने मोल है, ये जो गैस है 3 मोल है और वो कैलकुलेशन में काम आएगा नहीं, 3 मोल ये जो दे रखा है हमें। और बस हमारे तो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट काम में आएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा जब हम उसको कंप्रेस करेंगे और कितनी वॉल्यूम कर देंगे, उसकी वॉल्यूम को हाफ कर देंगे, ठीक है। और ये चीज हमारे काम की है इसमें कि इंसुलेटेड सिस्टम है ये, जिसमें जो उसकी वॉल्स हैं उनको भी वेल इंसुलेटेड रखा गया और जो पिस्टन है उसको भी हीप ऑफ सैंड से या पाइल ऑफ सैंड से उसको भी क्या किया गया, इंसुलेशन किया गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम को समझिए। क्वेश्चन में ये गिवन है कि सिलेंडर जो है वो वेल इंसुलेटेड है, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, या आप इसकी बजाय ये बोल सकते हैं एडियाबेटिक वॉल्स हैं। तो हमने एक सिलेंडर बनाया और इसकी वॉल्स जो है वो कैसी कर दी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स कर दी या इंसुलेटेड वॉल्स कर दी। इसके बाद में यहां पर एक पिस्टन भी लगा हुआ है, वो पिस्टन भी है वेल इंसुलेटेड, लेकिन उसको और इंसुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने पाइल ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड बना दिया। यहां पर हमने इसके ऊपर सैंड रख दी, मिट्टी रख दी, रेत रख दी। तो इस तरह से ये जो सैंड होगी ये इंसुलेशन का वर्क करेगी यहां पर। ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हम ऐसा मान करके चलेंगे कि यहां पर जो भी गैस है हाइड्रोजन गैस है, 3 मोल 3 मोल हाइड्रोजन गैस, ये भी डायग्राम में ही लिख देते हैं, 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस। और वॉल्स कैसी हैं, एडियाबेटिक वॉल्स है। अब इसको क्या करना है, पिस्टन को डाउनवर्ड लेकर के आएंगे और क्या करेंगे, कंप्रेशन के लिए बोला गया। तो पहले इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो हमने ऐसा माना लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V1, इनिशियल वॉल्यूम इसकी V1 है। अब इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी वॉल्यूम को हाफ करना है, इतना कंप्रेशन करना है कि वॉल्यूम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो हमने ये कंप्रेशन किया और पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो चुकी है, V1/2 हाफ हो चुकी है पहले से। और इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना था, P1, और फाइनल कंडीशन में प्रेशर कितना है, P2, और ये P2 प्रेशर ही हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया है कि P2 प्रेशर कितना होगा व्हेन वी आर कंप्रेसिंग द गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, एंड द वॉल्यूम बिकम हाफ फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम।
इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो जाएगी। अब सबसे पहली बात, ये जो कंप्रेशन है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सो हीट इज नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। आंसर फोर, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, नो हीट इज अलाउड टू बी एक्सचेंज। No heat is allowed to be exchanged as it is the process is adiabatic. The process is adiabatic. अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें मानना ही पड़ेगा सब कुछ, तो लेकिन यहां लिखेंगे लेट इनिशियल वॉल्यूम इज वी वन, सो फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर, प्रेशर को भी कंसीडर करते हैं हम यहां पे पी वन। So final volume V2 is equal to, final volume V2 होगी और ये question में दिया गया है कि volume को half किया जा रहा है, then we have to find final pressure. Not final pressure, इसने बोला by what factor the pressure will increase, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं, let final pressure P2 question mark, ये हमें पता नहीं है, final pressure is P2, initial को P1 लिखा है, final को P2 लिख दिया। अब देखिए ये process adiabatic process है और adiabatic process में compression हो या expansion हो लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट इसकी स्टडी की थी, सो वी आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, the equation is PV gamma is equal to constant. PV gamma is equal to क्या होता है, constant होता है, pressure और volume to the power gamma, इनका जो product होगा, इनका जो multiplication होगा वो हमेशा constant रहेगा। अगर volume बढ़ेगी तो pressure कम हो जाएगा, pressure बढ़ेगा तो volume कम हो जाएगी, और लेकिन इनका multiplication क्या रहेगा, constant रहेगा। तो इसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उस स्टेटमेंट को मैं यहां लिखता हूं, द स्टेटमेंट विल बी पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्टडी किया था हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा, प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर गामा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला बनाएंगे P2 अपॉन P1 का, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है बाय व्हाट फैक्टर, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, तो आपसे रेशियो पूछा गया है P2 अपॉन P1, तो P2 अपॉन P1 पीछा इसको हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर P2 अपॉन P1 का फॉर्मूला बना लेते हैं, ये P2, ये P1 इधर है, यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा P2 डिवाइड बाय P1। ओके, ये V1 गामा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, या हम लोग P1 को इधर लेकर के आए तो ये यहां पर आ गया, इसको इधर ले आए और V2 गामा को इधर ले आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V2 गामा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा
वी वन गामा डिवाइड बाय वी टू गामा। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पी टू डिवाइड बाय पी वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइड बाय वी टू टू द पावर होल, होल पावर क्या लगा देंगे, गामा। ये हमने होल पावर गामा कर दी, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, ये वी वन गामा है डिवाइड में वी टू गामा है, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, होल पावर में लिख सकते हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, वी वन की वैल्यू तो वी वन ही लिखेंगे, लेकिन वी टू की जगह क्या लिख देंगे, वी वन बाय टू। ओके, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू इन दैट इक्वेशन। P2 divided by P1 is equal to V1. V1 की जगह पर तो V1 ही आएगा। V2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, V1 by 2. तो यहाँ पर लिखेंगे V1 divided by 2 और इस पूरे की होल पावर कितनी थी, इस पूरे की होल पावर थी गामा। अब V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल होकर के ये ऊपर आ जाएगा, अब स्टेयर्स में आ जाएगा। सो P2 divided by P1 2 to the power गामा। ये V1 से V1 कैंसिल हो गया और ये जो डिवाइड में 2 था ये रेसिप्रोकल होकर के अब स्टेयर्स में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये कैंसिल कर दिया V1 से V1 तो ऊपर आ गया 2 टू द पावर गामा। और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन है, देखिए जो हाइड्रोजन है वो डायएटॉमिक गैस है और डायएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की वैल्यू होती है 1.44 डायएटॉमिक गैसेस। तो गामा की वैल्यू लिखेंगे 1.4। P2 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1.4। अब ये हमारे लिए परेशानी है कि 1.4 पावर 1.4 को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। सो ये जो P2 अपॉन P1 है ये आ गया 2 टू द पावर 1.4, 2 टू द पावर 1.4 है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट x, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया। अब आगे की जो प्रोसेस है वो लॉग टेबल से सॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें लिखेंगे टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन द बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां पर आ जाएगा लॉग बेस 10 x। देखो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1.4, 2 टू द पावर 1.4, और हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो इधर लॉग x लिख देंगे, इधर लॉग 2 लिख देंगे पावर 1.4। तो यहां पर भी हमने लिखा लॉग 10, बेस 10 ले रही है, बेस 10 वाली टेबल ही यूज करते हैं हम कैलकुलेशंस में, 2 टू द पावर 1.4। अब यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है तो वो मैं यहां लिख देता हूं, लॉग m टू द पावर n, इस पावर को आगे लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर अगर n है तो n को इसके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और यहां पर ले जाता है लॉग m। तो ये फॉर्मूला इस जगह पर अप्लाई कीजिए, ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1.4, तो 1.4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, लॉग x इज इक्वल टू 1.4, ये पावर को हमने आगे लिख दिया 1.4, लॉग बेस 10 और ये 2। देखिए log 2 की वैल्यू, ये log 2 की वैल्यू जो भी है वो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कैलकुलेशंस में बार बार काम आती है। चलो इसके लिए तो हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, log 2 होता है 0.301। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए इस वैल्यू को क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत बार इसकी वैल्यू काम में आती है, log 2 की वैल्यू 0.301। अब इसके बाद ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, देखिए
log base 10 x 1.4 और log 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो log 2 है इसकी जगह पर लिख देंगे हम लोग 0.301। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log x 1.4 इंटू 0.301, सो इट विल बी 0.4214। नाउ वी आर टेकिंग द एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड्स। अब इस लॉग को खत्म करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग का यूज करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, देखिए एंटी लॉग से तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर तो क्या रह जाएगा, यहां पर तो x ही रह जाएगा, और इसी x को हमने क्या लिखा हुआ था, p2/p1। ये जो x था इसी को हमने क्या लिखा हुआ था, p2/p1 लिखा हुआ था। ओके, तो एंटी लॉग जैसे यहां लिखेंगे, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो यहां पर x बच जाएगा, और यहां पर लिखा जाएगा इस तरफ लिखेंगे एंटी लॉग 0.4214। अब एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, तो आप लोग अपनी केमिस्ट्री की बुक ओपन कर लीजिए, उसके लास्ट पेजेस में आपको ये एंटी लॉग की टेबल मिलेगी। तो देखिए एंटी लॉग टेबल का यूज करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग 42 की वैल्यू 1 पर देखेंगे, तो 42 की वैल्यू जो 1 पर आपको मिलेगी एंटी लॉग टेबल में, वो ये होगी 2636। 42 की वैल्यू 1 पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू मिलेगी 2636। फिर उसके बाद इसकी मीन वैल्यू देखेंगे, मीन वैल्यू 4 पे देखेंगे, 4 पर इसकी मीन वैल्यू दी गई है 2, तो मीन वैल्यू को इस नंबर के साथ ऐड करेंगे 2638, तो ये आंसर आएगा इसका एंटी लॉग का। पहले 42 को 1 पर देखेंगे तो आपको उस टेबल में 2636 वैल्यू दिखेगी, फिर उसी की मीन वैल्यू देखेंगे 4 पे, 4 पर उसकी मीन वैल्यू आती है 2, कॉलम नंबर 4 होगा, कॉलम नंबर 4 के अंदर उसकी मीन वैल्यू दी गई है 2 मीन डिफरेंस के अंदर, तो यहां पर इसको ऐड करते ही हमारे पास एक डिजिट बन जाएगी 2638। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो यहां से पता लगेगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 4-1 और 1 माइनस कर देते हैं, इसमें से 3 आएगा, तो यहां से पीछे से 3 अक्षर के बाद में, 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, सो द वैल्यू विल बी, ये आएगा p2/p1 इज इक्वल टू, इस एंटी लॉग की वैल्यू आएगी 2.638। और बुक में जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, इसको आप, ये 8 है, लास्ट वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो इसके नेक्स्ट वाले नंबर, इससे जो पहले वाला नंबर है उसमें क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2.64, ये भी लिखा जा सकता है। अगर लास्ट डिजिट 8 है तो मतलब 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी है तो इस केस में इसके नेक्स्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो इसको 2.63 लिखने के बजाय 2.64 लिखा जाएगा, तो ये सॉल्यूशन भी सही है, और ऐसा लिखना चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फैक्टर बाय विच द प्रेशर इज चेंजिंग, इस फैक्टर से प्रेशर चेंज हो रहा है, पहले प्रेशर P1 था और अब प्रेशर कितना हो जाएगा 2.683, इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि लगभग 2.5 टाइम्स प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो क्या क्या बताया मैंने इस क्वेश्चन में 12.5 में। सबसे पहले गैस को एडियाबेटिकली स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर जाया जा रहा है, एन अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन इसमें नेगेटिव होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो हीट एक्सचेंज तो नहीं होगी और वर्क डन नेगेटिव है इसमें, फर्स्ट पहली चीज ये दी गई है। दूसरा, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया ए प्रोसेस, अब दूसरी प्रोसेस के थ्रू उसी गैस को स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर के जाया जा रहा है जैसा कि पहले था, इसमें भी उसको स्टेट ए से स्टेट बी में ही लेकर के जा रहे थे, लेकिन एडियाबेटिकली लेकर के जा रहे थे, अब इसमें एडियाबेटिकली नहीं लेकर के जा रहे, ये कैसे पता लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द हीट एब्जॉर्ब्ड
द नेट हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन दे रखा है, तो मतलब ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस तो नहीं है, इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, और वो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी में जा रहा है. सो हाउ मच वर्क इज, हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस. तो ये जो सेकेंड प्रोसेस है जो हमें बताई नहीं गई है कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को ए से बी में लेकर के जाया जा रहा है, स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर के जाया जा रहा है, तो उसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है सेकेंड केस में. लेकिन इन पूरी प्रोसेस में, दोनों प्रोसेसेस में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या होगा, तो आंसर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसमें भी सिस्टम को ए से बी तक लेकर के जाया जा रहा है, गैस पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए हम, इसमें भी ए से बी तक ही लेकर के जा रहे हैं सिस्टम को, तो फिर से क्या होगा, गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, बाद में हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आए. तो दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, ये दोनों केसेस के बीच की कड़ी होगी जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, केस फर्स्ट में आपको ये बताया गया कि कोई भी गैस है उसको हम लोग स्टेट ए से कहां लेकर के जा रहे हैं, स्टेट बी तक लेकर के जा रहे हैं. लेकिन ये सारी प्रोसेस कैसी है, ये सारी प्रोसेस एडियाबेटिक है. अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट का एक्सचेंज तो नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा क्यू या डी क्यू जो होगा वो तो जीरो होगा इस केस में एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर. और क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज और बता रखी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो मतलब आपको dq तो जीरो है हीट का एक्सचेंज, लेकिन dw आपको बता रखा है 22.3 जूल. ओके, और इसके अलावा हम लोग यहां से इसकी इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यही तो हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा सेकंड केस को. इसके बाद सेकंड केस में भी ये बताया गया कि गैस को स्टेट ए से कहां लेकर के जा रहे हैं, स्टेट बी तक लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं है. वो कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि हीट एनर्जी दी जा रही है 9.35 कैलोरी. ये 9.35 को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 39.5 जूल. 39.3 आएगा, नॉट 5. तो यहां पर हमने इसको जूल में लिख दिया. हीट एनर्जी गिवन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही वाला काम आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है जैसा कि फर्स्ट केस में हो रहा था. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें और उसमें दोनों में सेम रहेगा. और यहां पर हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन. तो पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं इन द फर्स्ट केस. सो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था हमने, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. dq इज जीरो इन एडियाबेटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज गिवन विच इज 22.3. अच्छा, ये जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए, मुझे इसको नेगेटिव लिखना चाहिए. सो dw इज माइनस 22.3. तो यहां पर जब हम dw की वैल्यू पुट करेंगे तो किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 22.3. द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 0 इज इक्वल टू du माइनस 22.3. ये माइनस 22.3 को इधर शिफ्ट करेंगे, द वैल्यू ऑफ du विल बी 22.3 जूल. ये हमने निकाल लिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द फर्स्ट केस, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सेकंड केस विल बी रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 22.3, दिस इज द, ये वैल्यू हमने यहां से उठाई, यहां से वैल्यू उठाई.
because system is going from state A to state C as per the first case. Now we will use the first law of thermodynamics. Yes, देखिए इस question के अंदर हमने यहाँ पर इसको solve किया है. आगे du तक हमने find कर लिया था 22.3 joule. इसके बाद में हम लोग as per the first law of thermodynamics क्या लिखेंगे, dq dash is equal to du plus dw dash. देखिए पहले जो लिखा था हमने उसमें dq is equal to du plus dw use किया था, लेकिन अभी second case में dq dash du plus dw dash लिखे. डैश क्यों लगाया, क्योंकि पहले हीट एनर्जी जो दे रहे थे एडियाबेटिक प्रोसेस थी, तो हीट एनर्जी ना तो उसको सिस्टम को दे रहे थे, ना सिस्टम हीट एनर्जी को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, ना गेन हो रहा था, लॉस हो रहा था. तो उस केस में dq को हमने जीरो लिखा था, लेकिन सेकंड केस में हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो इसलिए इसको dq डैश लिख दिया हमने, और जो कि कितना गिवन था 9.35 कैलोरी सेकंड केस में. फिर हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, 9.35 इंटू 4.2 इट विल बी 39.3 जूल. और du चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने केस फर्स्ट से उठा लिया. क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में एक चीज सेम है, गैस को स्टेट ए से स्टेट बी तक लेकर के जाया जा रहा है, तो उसको एडियाबेटिकली लेकर के जाओ या किसी दूसरी तरह से लेकर के जाओ, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो सेम होगा, क्योंकि सिस्टम ए से बी तक जा रहा है. तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो फर्स्ट केस में होंगे फाइनली, वो सेकंड केस में भी वही होंगे. तो टेम्परेचर सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी. तो फर्स्ट केस में जो इंटरनल एनर्जी थी du जो हमने फाइंड की थी 22.3, उसको सेकंड केस में भी यूज कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी तक ही लेकर के जाया जा रहा है दोनों केसेस. इसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे और dq डैश इज इक्वल टू du. इसको du डैश नहीं लिखा, इंटरनल एनर्जी अलग नहीं है, इंटरनल एनर्जी सेम है, इसलिए इसको du लिखा है. वर्क डन डिफरेंट है, उसमें dw लिखा था, इसमें dw डैश लिखेंगे जो कि हमें फाइंड करना है. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, dq डैश की वैल्यू है 39.3 और du की वैल्यू है 22.3 और dw डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो ये जो 22.3 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, 39.3 माइनस 22.3 इट विल बी dw डैश विल बी 17 जूल. तो 17 जूल आंसर आएगा. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच.